श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय के बगल श्री राम मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, जहाँ भगवान राम विराजमान होंगे। जनवरी 2024 में भगवान राम इसी गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस पत्थर को देखिए बनाया गया है, जो मंदिर बहुत सुंदरता से मंदिर बनाया जा रहा है। बंसी पहाड़पुर के स्टोन्स लगाए जा रहे हैं और गर्भगृह में सफ़ेद संगमरमर लगाया जा रहा है। भगवान राम जनवरी 2024 में इसी गर्भगृह में विराजमान होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम बाल रूप में इस गर्भगृह में विराजमान होंगे और ये राम मंदिर 3 तल का होगा। प्रथम तल में भगवान राम बाल रूप में विराजमान होंगे, सेकंड तल पर भगवान राम का राज दरबार होगा और थर्ड तल पर भगवान राम से जुड़ी विचित्र घटनाएं मूर्तियों के रूप में साकार की जाएंगी। पूरे रामायण को तृतीय तल पर दर्शाया जाएगा और कई गेट्स बनाए जाएंगे जिसे भगवान राम का दर्शन श्रद्धालु कर सकें। कुल मिलाकर भगवान राम का मंदिर प्रथम तल लगभग तैयार है और ऊपर ये आप राम मंदिर की नक्काशी देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरों को, बंसी पहाड़पुर के स्टोन्स को नक्काशीदार पत्थर लगाकर बनाया जा रहा है। इसमें मोर है, कमल के पुष्प हैं और तरह तरह की नक्काशी बनाई जा रही है। गुजरात के सोनपुरा के लोग यहाँ पर आकर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और टाटा के कंसल्टेंसी के इंजीनियर्स यहाँ लगकर लगातार मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रथम तल लगभग जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 में ही भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। जनवरी में ही पूरे देश में एक उत्सव का माहौल मनाया जाएगा, पूरी राम जन्म शताब्दी मनाई जाएगी और पूरे देश में राम जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। कुल मिलाकर और पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में आकर भगवान राम के गर्भगृह का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और भगवान राम को इस गर्भगृह में विराजमान कराएंगे और पूरे देश सहित विदेशों से जहाँ सनातन धर्म की परम्परा है वहाँ के लोग इस उत्सव का साक्षी बनेंगे और साथ ही साथ देश के प्रसिद्ध उद्योगपति, विभिन्न दलों के राजनैतिक और फिल्म सितारे इस राम के उत्सव में प्राप्त समारोह में यहां मौजूद होकर खुद राम मंदिर निर्माण के साक्षी बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव सिंह मोनू के साथ मैं देश दीपक श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज़, धर्मनगरी, अयोध्या। विराजमान हूँ जहाँ भगवान राम विराजमान होंगे, वहीं का गर्भगृह है जहाँ भगवान राम विराजमान होंगे। हमारे साथ राम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्थापक आशीष जी मौजूद हैं। आशीष जी, यहाँ क्या क्या भगवान राम के रूप में विराजमान होंगे? 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में रामलला विराजमान किए जाएंगे। ये जो आप ध्वज देख रहे हैं, यहीं पर रामलला विराजमान थे। जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ है, रामलला अपने एक टेम्परेरी स्थान पर पूजा अर्चना हो रही, किंतु प्रतिदिन यहाँ पर हमारे पुजारी आते हैं, पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, सुबह शाम दोनों समय आरती होती है और ये ध्वज स्तंभ उसी का प्रतीक है। यहीं पर रामलला विराजमान होंगे। तो हमारे जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, बेंगलोर के हैं, राजस्थान के हैं, मूर्तियाँ उकेरी जा रही हैं। ईश्वर की इच्छा और उनकी संरचना क्या है, किस मूर्तिकार के हाथों वो प्रकट होना चाहेंगे, वही मूर्ति हमारे ट्रस्टी और संतों के जो मार्गदर्शन में तय किया गया है, बाल राम, 5 वर्ष की आयु के बालक के राम आकर के यहाँ विराजमान होंगे और भक्तों के लिए दर्शन देने की व्यवस्था इस जनवरी से आरंभ की जाएगी। ये सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है, ये पत्थर मकराना मार्बल का पत्थर है। आशीष सोमपुरा जी की टीम है, उन्हीं के मार्गदर्शन में जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण उनके पूर्वजों ने बनाया, आज उन्हीं के द्वारा डिजाइन किए गए मंदिर के निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। L&T की टीम यहाँ पर मशीनरी वर्क देख रही, टाटा कंसल्टेंसी का सुपरविजन है, तो ये काम चल रहा है। तो ये कितने तल बन चुके हैं और कितने तल बनने हैं? भगवान राम कब विराजमान होंगे इस मंदिर? ये जनवरी का समय दिया गया है, मकर संक्रांति के बाद का रामलला विराजमान करने का। उसके बाद कार्यक्रम और रूपरेखा और ग्रह तिथि के हिसाब से माननीय उद्घाटन के लिए जैसा चल रहा है देश के शीर्ष लोग के माध्यम से, तो उस हिसाब से अभी तिथि निश्चित नहीं है। किंतु जो आपने कहा, ये जो काम चल रहा है, ये हमारे वर्तमान में 40 कारीगर काम कर रहे हैं इसकी मूर्तियों के डिजाइन उभारने में। ये कितना तल अब तक बन चुका है और कितने तल बनेंगे? ये 3 तल का मंदिर होगा। ये आप खड़े हैं भूतल पर, भूतल पर रामलला विराजमान गर्भगृह में होंगे, रामलला ही रहेंगे। प्रथम तल पर जाकर के रामलला सपरिवार माता सीता सहित विराजमान होंगे। तो ये थे आशीष जी, जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं। इनका कहना है 3 तल का मंदिर होगा, प्रथम तल में भगवान राम विराजमान होंगे और दूसरे तल में भगवान राम का दरबार होगा
और राम की झांकियां होंगी। राम मंदिर में बाल रूप में विराजमान होंगे और सफेद संगमरमर से ये मंदिर को बनाया गया है, जहां राम भगवान जनवरी में विराजमान होंगे और पूरे देश में जनवरी में उत्सव का माहौल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव सिंह मोलू के साथ मैं देश दीपक श्रीवास्तव, APN न्यूज़, धर्मनगरी, अयोध्या।